हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ साइटोपल्स के बारे में और कौन सा पल्स कहाँ उपस्थित होता है और कौन सा आरटी से कौन सा पल्स लिया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कौन सा पल्स किस जगह उपस्थित होता है और किस आर्टरी से कौन सा पल्स लिया जाता है और वह आर्टरी कहाँ उपस्थित होता है। नंबर वन, टेम्पोरल पल्स। टेम्पोरल पल्स दोस्तों टेम्पोरल आर्टरी से लिया जाता है और यह टेम्पोरल आर्टरी फोरहेड के पास उपस्थित होता है। नंबर टू, कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स कैरोटिड आर्टरी से लिया जाता है और यह कैरोटिड आर्टरी नेक के पास उपस्थित होता है। ब्रेकियल पल्स। यह ब्रेकियल पल्स ब्रेकियल आर्टरी से लिया जाता है और यह ब्रेकियल आर्टरी इनर अपर आर्म के पास उपस्थित होता है। रेडियल पल्स। यह रेडियल पल्स रेडियल आर्टरी के पास उपस्थित होता है। रेडियल आर्टरी से लिया जाता है और यह रेडियल आर्टरी रिस्ट यानी कलाई के पास उपस्थित होता है। फिमोरल पल्स। यह फिमोरल पल्स फिमोरल आर्टरी से लिया जाता है और यह फिमोरल आर्टरी अपर थाई के पास उपस्थित होता है। पेपेटियल पल्स। यह पेपेटियल पल्स पेपेटियल आर्टरी के पास आर्टरी से लिया जाता है। यह पेपेटियल पल्स पेपेटियल आर्टरी से लिया जाता है और यह पेपेटियल आर्टरी बिहाइंड नी घुटने के बगल में उपस्थित होता है। डोर्सल पेडिस पल्स। यह डोर्सल पेडिस आर्टरी से लिया जाता है और यह डोर्सल पेडिस आर्टरी टॉप ऑफ फुट के पास उपस्थित होता है। थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।